हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जियास क्रिएशंस। आज हम लोग कोकोनट शेल से एक सुंदर सा डीआईवाई बनाएंगे और साथ में ही एक मैक्रेमे का हैंगिंग प्लांटर। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एक कोकोनट का शेल ले लिया है, फिर एक सैंड पेपर का टुकड़ा, फिर ये पेंटिंग के लिए ब्रश और क्लियर वार्निश। तो ये चार चीज़ें हमें लगेंगी। तो पहले मैंने अपने कोकोनट शेल को सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लिया है ताकि मैं उसका सरफेस स्मूथ कर सकूं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने कोकोनट शेल का सरफेस स्मूथ कर लिया है। अब एक रफ कपड़े से हम इसको अच्छे से इसका डस्ट पोंछ लेंगे कुछ इस तरह से। और अब इसे हमें क्लियर वार्निश का एक कोट देना है। तो मैं यहाँ पर अंदर भी एक कोट दे रही हूँ सेफ्टी के लिए। अब इसे हमें 18 टू 24 आवर्स के लिए ड्राई होने देना है। अब हमें मैक्रेमे के चार पीसेस लेने हैं। ये 1 मीटर का है, ऐसे ही मैंने चार पीसेस 1-1 मीटर के ले लिए हैं। तो पहले हम एक गांठ बांध लेंगे, एक नॉट बांध लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसे टाइट कर ले। अब हमें अपने कोकोनट शेल को रख कर देखना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने हैंगर की हाइट कम या ज़्यादा रखनी है। तो देखें यहाँ पर हम एक नॉट बांध लेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें एक नॉट बांध लेनी है। नॉट बांधने के बाद हम यहाँ पर एक डिज़ाइन करेंगे। तो नॉट के ऊपर के हमें चार रस्सियों को ऐसे अलग अलग करना है कुछ इस तरह से। और पहली रस्सी का हमें एक लूप बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया है। और दूसरी रस्सी को पहले वाले लूप में डालना है। अब उसी तरह से हमें सामने से डालना है, पीछे से नहीं डालना है रस्सी को, सामने से डालना है। और उसी तरह से दूसरा लूप भी बनाएंगे। और तीसरी रस्सी को हम दूसरे लूप के सामने से डालेंगे, पीछे से नहीं। और तीसरे रस्सी के का भी लूप बनाएंगे और चौथी रस्सी को उसके अंदर डालेंगे। अब चौथी रस्सी को पहले वाले लूप के अंदर सामने से डालेंगे। इन चारों रस्सियों को हमें खींच लेना है और कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। इसे ही हमें 7 से 8 बार रिपीट करना है। सात आठ बार ऐसे करने के बाद कुछ ऐसी डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें कुछ सामने से स्पेस लीव करनी है और वहीं पर हमें वापस से वो लूप वाला करना है। यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ पर आपको 5 उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आप इसे फास्ट कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम 7-8 बार कर लेंगे। पहले लूप के अंदर दूसरी रस्सी, दूसरे लूप के अंदर तीसरी रस्सी और तीसरी लूप के अंदर चौथी रस्सी, और चौथी रस्सी को हमें पहले लूप के अंदर भी डालना है। कुछ इस तरह करने के बाद, 7-8 बार करने के बाद हम वापस वैसे ही स्पेस लीव करेंगे और फिर से लूप
वाला करेंगे, फिर से वही डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इस बार हमें सिर्फ दो तीन बार ही करना है। दो तीन बार करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा हैंगर तैयार हो जाएगा। इसे लटकाने के लिए हम एक लूप बनाएंगे, तो हम ऐसे तीन रस्सियों को ले लेंगे और चौथी रस्सी छोड़ देंगे, और जो तीन रस्सियों की हम ऐसे ब्रेड बनाने वाले हैं, जैसे बालों की चोटी बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें बालों की चोटी यानी ब्रेड बनानी है। तो यहाँ पर मैंने बना ली है, और अब हमें इन तीनों रस्सियों को ज्वाइन करना है। तो एक दिए की मदद से हम इसे मेल्ट करेंगे और इसे आपस में चिपका देंगे, और जो एक्सेस रस्सी है उसे निकाल देंगे या काट देंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसी लूप को हमें ऐसे बेंड करना है। और जो चौथी रस्सी है उसकी पहले हमें ऐसे गार्ड बांधनी है, फिर उसे अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है टाइटली। अब हम इसे टाइटली खींच लेंगे और फिर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके अंदर जगह बना देंगे, ताकि हम जो ये एक्स्ट्रा रस्सी है उसे उसके अंदर डाल सके। इससे हमारा जो लूप है वो एकदम फिक्स हो जाएगा, फर्म हो जाएगा और नहीं निकलेगा। तो देखें, हमें कुछ इस तरह से इसको अंदर डालना है, और नीचे से इसे निकालना है। देखिए, तो इसे मैंने नीचे से निकाल दिया और इसे एकदम टाइट से खींच लिया ताकि ये निकले ना, और इसे किसी भी ऐसे नॉट में ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। अब हमारा हैंगर तो रेडी हो गया और हमारा पॉट भी रेडी है। ये देखें, अब बस इस पॉट में हमें एक सुंदर सा पौधा लगा देना है। और देखें, मैंने इसमें टर्टल वाइन लगाया है और ये अब काफ़ी सुंदर दिखता है। ऐसे छोटे छोटे डेकोरेशंस हमारे गैलरी की सुंदरता बढ़ाती है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने आइडिया शेयर करना ना भूले।